हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो मैं थोड़े थोड़े पार्ट्स में वीडियो डालूंगा। तो आज का पहला पार्ट चलिए देखते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले रिप्रोड्यूशन। रिप्रोड्यूसिंग मतलब क्या होता है? रिप्रोड्यूसिंग लाइक देमसेल्फ इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन कॉल्ड रिप्रोडक्शन। प्रोड्यूसिंग लाइक देमसेल्फ। रिप्रोडक्शन अब के तीन फीचर्स हैं जो मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन हमारा। मेंटेन देयर ओन काइंड स्पीसीज ऑन द अर्थ, सर्वाइवल फॉर अ स्पीसीज। नाउ आफ्टर रिप्रोड्यूसिंग, लाइफ स्पैन। द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ का जो हमारा टाइम पीरियड है, लाइफ स्पैन कहलाया जाता है। लाइफ स्पैन के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं। स्पेसिफिक ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वेरीज फ्रॉम फ्यू डेज टू सेवरल थाउजेंड ईयर्स। अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग सर्वाइवल डेज होते हैं। नॉट नेसेसरी कोरिलेटेड विद साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब ये है कि साइज से कोई मतलब नहीं, कि जो छोटा होगा वो कम जिएगा, जो बड़ा होगा ज्यादा जिएगा, इससे कोई जरूरी नहीं है। तो एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। जैसे क्रो हो गया हमारा 15 ईयर्स तक जीता है, पैरट 140 ईयर्स, पीपल 2500 साल, मैंगो 200 ईयर्स, ड्रोसोफिला 2 वीक्स, एलिफेंट 60-90 ईयर्स, टॉर्टाइज 100-150 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स। डेथ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज श्योर। डेथ सबकी श्योर है, डेट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मॉर्टल। मतलब डेथ ऑर्गेनिज्म की, हमारे सबकी डेथ होनी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मॉर्टल है, मतलब इनकी डेथ होनी है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी डेथ नहीं होती, जो कि हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं डेथ नहीं होती है। जैसे हमारा एमीबा है, वो डिवाइड करता, कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है, तो उनकी डेथ नहीं होती। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल, डेट इज एमीबा यूग्लेना। बेसिक फीचर रिप्रोडक्शन के सेल डिवीजन है डुप्लीकेशन सेलुलर एपरेटस के और फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। सेल डिवीजन मतलब माइटोसिस मियोसिस। माइटोसिस जिसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस जिनको हम रिडक्शन डिवीजन। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन इसलिए कहते हैं, जितने भी पेरेंट्स में क्रोमोसोम्स होंगे उतने ही हमारे डॉटर्स में भी होंगे। लेकिन मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि मियोसिस में जितने पेरेंट्स के होंगे उसके हाफ हमारे डॉटर में आते हैं। अब दूसरा, डुप्लीकेशन ऑफ सेलुलर एपरेटस। डिवीजन से पहले सेल एंटर करता है ग्रोथ फेज में, वहां पे उसका सेलुलर डुप्लीकेशन सेलुलर स्ट्रक्चर का होगा, सिंथेसिस बायोमोलिक्यूल्स का होगा इंटरफेज में। फिर अब डिवीजन के दौरान क्या करते हैं, सेल डिवाइड करते हैं और अपना ये सेलुलर स्ट्रक्चर होता है इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज और अनस्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव यूनिट विच अंडरगो मॉडिफिकेशन और सेपरेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। अब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा यूनिपेरेंटल, जिसमें गैमेट फॉर्मेशन होता नहीं है। अगर गैमिट फ्यूज हो गया, गैमिट मतलब फॉर्म हो गया, लेकिन तो फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। हम ये नहीं कह सकते कि गैमिट फॉर्मेशन होता ही नहीं है। ये गैमिट फॉर्मेशन कभी कभी हो सकता है उनमें, लेकिन जब गैमिट फॉर्मेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन उनमें नहीं होगा। इंडिविजुअल्स जो एक दूसरे से बिल्कुल सेम होते हैं तो उनको क्लोन्स कहा जाता है, और ये सबसे सिंपल और क्विक मैथड है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल है हमारे बाइनरी फ्यूजन, जिसमें एक पेरेंट सेल स्प्लिट करता है दो डॉटर सेल्स में। ए माइटोटिक डिवीजन बैक्टीरिया में होता है, माइटोटिक डिवीजन हिस्ट में और एमीबा में होता है। बाइनरी फ्यूजन में कैरियोकाइनेसिस फॉलो करता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इक्वेशनल डिवीजन होगा, मतलब मोस्टली अकर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर यूनिसेलुलर में होता है। स्पिंडल फाइबर हमारे माइटोटिक डिवीजन में जरूरत होते हैं, माइटोटिक डिवीजन मतलब एमीबा और यीस्ट का। ए माइटोटिक डिवीजन बैक्टीरिया में नहीं जरूरत होती है स्पिंडल फाइबर की। एग्जाम्पल एमीबा इरेगुलर सिंपल बाइनरी फ्यूजन होता है इसमें, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन यूग्लेना में, और ट्रांसवर्स बैक्टीरिया पैरामिशन डायटम्स में। डायटम जिनको हम लोग गोल्डन एल्गी बोलते हैं, जो जनरली आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। बडिंग अकर इन यीस्ट एंड हाइड्रा। एकुमुलेशन होता है प्रोटोप्लाज्म, एक ही जगह पे एकुमुलेशन हो जाता है प्रोटोप्लाज्म का, जिससे कि वहां पे एक कुछ ग्रोथ टाइप का बनता है, आउटग्रोथ होता है, जिनको हम लोग बड कहते हैं। अब बाइनरी फ्यूजन और बडिंग के बीच का डिफरेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है एग्जाम्स में। बाइनरी फ्यूजन में जो साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा इक्वल होगा, बडिंग में अनइक्वल होगा। बाइनरी फ्यूजन में पेरेंट सेल एग्जिस्ट करते हैं, बडिंग में नहीं एग्जिस्ट करते हैं। प्रोटूबेरेंस यहाँ एबसेंट होती है बाइनरी फ्यूजन में, प्रोटूबेरेंस हमारी प्रेजेंट होती है बडिंग में। जो बाइनरी फ्यूजन में आप ये भी कह सकते हैं जो कैरियोकाइनेसिस होता है फॉलोड करता है साइटोकाइनेसिस को, यहाँ पे नहीं करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों मेरे वीडियो को पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
थैंक यू।